भारी पुलिस फोर्स एवं पीएससी बल की कड़ी निगरानी में शिवगढ़ थाना क्षेत्र में 16 जगह शांतिपूर्वक जुमे की नमाज अदा की गई। गौरतलब हो कि बीते 3 जून को कानपुर में व बीते शुक्रवार को प्रयागराज, रांची सहित आधा दर्जन से अधिक जगहों पर हुई हिंसा को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन बिल्कुल सख्त है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बृहस्पतिवार को जहां महाराजगंज उप जिलाधिकारी शालिक राम वर्मा, क्षेत्राधिकारी रामकिशोर सिंह ने शिवगढ़ थाने में धर्मगुरुओं, ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों के साथ पीस कमेटी की बैठक की थी एवं क्षेत्र के बैंती गांव में भारी पुलिस फोर्स एवं पीएससी बल के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी। तो वहीं शुक्रवार को शिवगढ़ थाना क्षेत्र की बैंती मस्जिद, ढोड़वापुर मस्जिद, गुढ़ा मस्जिद, असहन जगतपुर मस्जिद के साथ ही कुमरवा, ढेकवा सहित कुल 16 जगह भारी पुलिस फोर्स एवं पीएससी बल की कड़ी निगरानी में शांतिपूर्वक ईद की नमाज संपन्न हुई। ग्राम पंचायत बैंती में थानाध्यक्ष राकेश चंद्र आनंद को पेश इमाम मोहम्मद असीर ने आश्वस्त करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत बैंती की हिंदू मुस्लिम एकता अपने आप में एक मिसाल है, जो गंगा जमुनी तहजीब की तरह है। उन्होंने बताया कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी आपस में मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, इसलिए यहाँ किसी प्रकार से माहौल खराब होने की संभावना नहीं है। इस मौके पर कानूनगो शिवप्रसाद तिवारी, हल्का लेखपाल राम समुज रावत, उप निरीक्षक पंचमलाल, हेड कांस्टेबल आर के मिश्रा, हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह सहित भारी तादाद में पुलिसकर्मी एवं पीएससी के जवान मौजूद रहे। थानाध्यक्ष राकेश चंद्र आनंद ने बताया कि शिवगढ़ थाना क्षेत्र में कुल 16 जगह पुलिस फोर्स एवं पीएससी बल की निगरानी में शांतिपूर्वक ईद की नमाज अदा की गई। उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर 3 जून से लगातार गांव, कस्बों एवं चौराहों पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति व्यवस्था, भाईचारा एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर क्षेत्र में लगातार अभियान चलाकर चेकिंग एवं गश्त की जा रही है।